रवि महतो स्मारक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड सत्र 2021-23 के नवीन प्रशिक्षार्थियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री सुमित कुमार, श्रीमती रीना कुमारी, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार यादव, हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्री मधुसूदन महतो, डीएलएड के विभागाध्यक्ष नवीन मंडल एवं डॉक्टर गौतम द्वारा सरस्वती माँ की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुमित कुमार ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास हो सकता है। बीएड की छात्रा रीमा और लक्ष्मी ने सोलो डांस प्रस्तुत किया। इस दौरान कॉलेज की छात्रा पूनम, विशाखा, प्रतिमा, अंजलि द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार यादव द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। बसंती, कोमल, आशा, प्रतिमा ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार यादव ने सभी शिक्षकों का परिचय दिया एवं छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस परिवर्तन के दौर में शिक्षक की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। राष्ट्र एवं समाज एक आदर्श शिक्षक की कमी महसूस कर रहा है। राष्ट्र को पतन से बचाने के लिए आज एक अच्छे शिक्षक की अनिवार्य आवश्यकता है। ये बीएड सत्र 21-23 का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम रखा गया था, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया। बच्चों को बीएड सिलेबस से अवेयर कराया गया और एक अच्छे शिक्षक में क्या क्या जो है कौशलों का डेवलप होता है उसके लिए शुरुआत में बताया गया है और इसको विस्तार से जब इनकी क्लासेस चलाई जाएगी तो इनको बताया जाएगा एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए और समाज में इनका जो है किस प्रकार जो है समाज की रिस्पांसिबिलिटी को ये निभाएंगे उस विषय पर हम चर्चा किए। भविष्य में इसको विस्तार से इन गुणों का डेवलप उनके अंदर किया जाएगा जिससे एक रिलायबल एक जिम्मेदार शिक्षक का निर्माण हो सके। हमारे संस्था का यही उद्देश्य है कि जो भी NCT MHRD की अनुशंसा है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके प्रति हमारे शिक्षक और हम हमेशा महाविद्यालय तत्पर है कि एक अच्छा शिक्षक बनाने की दिशा में हम लोग